इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अहम खबरों पर एक नजर। आज उजलनगर में 12वें क्रॉस पर सहारा वेलफेयर एंड एजुकेशन इदारे का इफ्तिताही इजलास अमल में आया। सहारा फाउंडेशन का असल मकसद है कि हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली तमाम सहूलतों को गरीब तबकात तक पहुंचाना और दीगर गरीब बेवाओं को सिलाई मशीन या बेवा औरतों को पेंशन मुहैया कराना है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का कयाम भी जल्द अमल में आने वाला है ताकि गरीब बेवा औरतें 8 से 10 हजार रुपए तक कमा सके। साथ में आने वाले 3 महीनों तक मुफ्त एम्बुलेंस आवाम को फराहम की जाएगी। मुफ्त ओपीडी क्लिनिक भी जल्द शुरू करने के बाद सहारा फाउंडेशन के जिम्मेदार सलमान शेख ने इत्तेहाद न्यूज को बताया। सहारा वेलफेयर एंड एजुकेशनल फाउंडेशन की इफ्तिताह MP मंगला अंगड़ी के हाथों अमल में आई। उज्जवलनगर के आवाम को कोविशील्ड के टीके भी लगवाए गए। तकरीबन 300 से भी ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन किया गया। आइए उस पर देखते हैं मुख्तसर रिपोर्ट। ಇವತ್ತು ಸಹರಾ ಗ್ರೂಪ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಲ್ಮಾನ್ ಶೇಖ್ ಅವರು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದರು। ಎನ್ ಜಿ ಒ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಥರದಿಂದ ಇದು ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಒಂದು ಟೇಲರಿಂಗ್ ಆಯಿತು, ಆಮೇಲೆ ರಿಪೇರಿ ಕೆಲಸ ಆಯಿತು, ಸ್ಕೂಲು, ಟ್ಯೂಷನ್, ಈ ಥರ ಎನ್ ಜಿ ಒ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎನ್ ಜಿ ಒ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಅವರ ಎನ್ ಜಿ ಒ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ। ಇವತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದು ಉದ್ಘಾಟಕರಂತ ಕರೆದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ। ನಮ್ಮ ಸಲ್ಮಾನ್ ಶೇಖ್, ಮೈ ಸಹಾರಾ ಫೌಂಡರ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು। ಈ ಸಹಾರಾ ಫೌಂಡರ್ ಸಹಾರಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬನಾನೆ ಕಾ ಹಮಾರ ರೀಸನ್ ಯೇ ಕಿ ಜಿತ್ನೆ ಭಿ ಹಮಾರಾ ಗರೀಬ್ ತಬ್ಕಾ ಹೈ, ಮೈನಾರಿಟಿ ತಬ್ಕಾ ಹೈ, ಇನ್ಕೋ ಜೋ ಮೈನಾರಿಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಹೈ ये नहीं मिल पाते, ये स्कीम्स को इन तक पहुंचाने का काम सहारा फाउंडेशन अंजाम देगा। जैसे पेंशन्स है, माइनॉरिटी स्कीम्स में आता है, माइनॉरिटी लोन है, और जैसा कि पीएम ने एक स्कीम स्टार्ट की है स्किल इंडिया प्रोग्राम के नाम से, जिसके अंदर टोटल 18 कोर्स है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो सारे टेक्निकल कोर्सेज है। तो सहारा फाउंडेशन इंशाल्लाह आने वाले दिनों में एक इंस्टीट्यूट ओपन करने वाला है, जिसके अंदर ये सारे 18 कोर्स हमारे इधर स्टार्ट किए जाएंगे, जो सारे फ्री हैं। और उसके अलावा हम लोग जैसे गरीब तबके में जितने भी बेवा औरतें हैं और जो माजूर औरतें हैं, इनको सिलाई मशीन देने का काम कर रहे हैं। सिलाई मशीन और एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर कम से कम 8 से 10 हजार रुपये हर औरत महीने के कमा सकती है। ये एम्बुलेंस सर्विस सभी के लिए बिल्कुल मुफ्त है, और इंशाल्लाह अगले महीने से हमारे यहाँ पे सहारा एनजीओ में एक फ्री ओपीडी क्लिनिक स्टार्ट किया जाएगा, जो गरीबों के लिए सबके लिए फ्री है। जो सहारा एनजीओ जो हम स्टार्ट किए हैं, ये तमाम जो हमारे उज्जवल नगर के जो जमातें हैं उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और जो हमारा जो मकसद है, अभी आने वाला मकसद है, जो हम एक फ्री ओपीडी भी शुरू करे हैं, और पिछले बार जो कोविड का जो दौर चला था उसके अंदर बहुत से लोगों को ऑक्सीजन भी नहीं मिला, वक्त के ऊपर ऑक्सीजन नहीं मिला, वक्त पर एम्बुलेंस नहीं मिले। हमारे जो प्रेसिडेंट है, जो सलमान भैया है, उन्होंने एक सोच कर बताया कि हमें हमारे उज्जवल नगर के लिए एक एम्बुलेंस स्टार्ट करेंगे। हम 24 घंटे के लिए हमारे एम्बुलेंस चालू रहेंगे। सहारा एनजीओ की जानिब से आज कोविड वैक्सीन दिया जा रहा है, बहुत सारे लोग आए हैं और बहुत सारे लोग इसका फ़ायदा ले रहे हैं। इंशाल्लाह आगे भी हम बहुत सारे काम अंजाम देंगे। हमारे पास फ्री ओपीडी क्लिनिक है, बहुत सारे मेडिसन्स है, हमारे बहुत मेंबर बहुत स्ट्रांग है, काम करने के लिए तैयार है, और 24 घंटे एम्बुलेंस सर्विस हमारे पास है।
और ऑक्सीजन सिलेंडर भी हमारे पास है, जिसको भी ज़रूरत है सहारा फाउंडेशन से रब्ता कायम करें। अब ये जो सहारा फाउंडेशन ओपन हुआ है, हमारे भाई के कोशिश से ओपन हुआ है, उन्होंने बहुत कोशिश करके अपना एक प्लॉट भी उसमें लगाया है उन्होंने खुद, और प्लॉट लगाने के बाद में बहुत सारे लोग हमारे उसके ऊपर बिल्डिंग के लिए भी मदद कर रहे हैं, जो हमारे मददगार है, और इंशाल्लाह विजन बहुत बड़ा है इस फाउंडेशन का। हम स्किल डेवलपमेंट खुद अपनी बिल्डिंग में शुरू कर रहे हैं, गवर्नमेंट से भी उसकी मदद हमको मिलेगी, और जो हमारे विडो जो लेडीज़ है उनके लिए स्कीम्स है, मतलब जो पेंशन्स वगैरह हो रहे हैं, माजूर के लिए पेंशन्स हो रहे हैं, वो सभी इंशाल्लाह यहाँ से अवेलेबल की जाएगी। और हमारे लोगों से गुजारिश है कि हमारे साथ जुड़ के इस स्कीम का फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। अल्लाह का फजल व करम है कि आज तक हमने कोविड से लेके अब तक जितने भी लोगों की ज़रूरत है उसको पूरा करने की कोशिश की है। हमने एक एम्बुलेंस सर्विस भी शुरू की है, कॉन्सेंट्रेटर मशीन्स लाए हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स लाए हैं, और हम ये चाहते हैं कि सारे अवाम हमसे जुड़ के रहे, तभी इंशाल्लाह हम इसको अंजाम दे सकेंगे। सबका साथ हमको चाहिए, और सभी लोगों से ये गुजारिश है कि हमारे इदारे को ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट करें, सपोर्ट करने से ही हम सबके काम आसान होंगे। हालिया कॉरपोरेशन में धांधली का इल्ज़ाम लगाकर समिति, आम आदमी पार्टी और आज़ाद उम्मीदवारों का आज दोबारा चुनाव पर अदालत का दरवाज़ा खटखटाने का फैसला लिया गया। समिति में 4 सीटों पर सिमट जाने से वीवीपैट मशीन और ईवीएम मशीन का डेमो न देने पर सवाल उठाते हुए इन नतीजों को रद्द कर दोबारा कॉरपोरेशन चुनाव की मांग की गई। आज मराठा मंदिर में सभी शिकस्त उम्मीदवारों ने मीटिंग तलब फरमाकर चुनाव को अदालत में खींचने पर इत्तफाक राय हो चुकी है। एमएस के शुभम शेड़के ने किसी तरह से भी इन नतीजों को ना मानते हुए दोबारा चुनाव लेने की मांग की है। इन्होंने ये भी कहा कि जब चुनाव का फैसला अदालत में जेर समाप्त था तो कैसे चुनाव लिया गया, ईवीएम मशीन के जरिए गलत उम्मीदवार जिताने का इल्जाम भी लगाया गया और इसमें भाजपा का हाथ होने की बात भी कही जा रही। इसके ऊपर एक्शन, जब इलेक्शन अनाउंस हुआ में था तो वो पेंडिंग था और वो वहाँ पे स्टे था, फिर भी इलेक्शन हुआ, तो ये ऑलरेडी ये इलीगली था। उसके ऊपर वीवीपैट मशीन भी नहीं है, वीवीपैट मशीन के लिए भी हमने ये दिया था, कंप्लेंट दिया था, उसका भी कुछ नहीं दिया। तो हमारा रिक्वेस्ट है कि इसको कैंसिल करके री इलेक्शन लीजिए। बेलगाम शहर में आए दिन कुछ न कुछ होता रहता, लिहाजा आज फिर आरपीडी क्रॉस के नजदीक राजवीर मड़केरी नायक नाम की तख्ती लगाने पर तनाव का माहौल देखा गया। कुछ नौजवानों ने हम वाल्मीकि समाज से होने की बात करते हुए बोर्ड लगाने की बात कही गई, पर इसे गैर कानूनी कहते हुए पुलिस ने हटाया। लिहाजा कन्नड़ तंजीमों की जानिब से डीसी बेलगाम को मुतालबा पेश किया गया और तख्ती फिर से लगाने की मांग की गई। इस वक्त कन्नड़ रक्षण वेदिके के कारकुनान जिम्मेदारान मौजूद थे, उन्होंने बेलगाम डीसी को मुतालबा पेश किया। ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ವೃತ್ತವಾಗಿರುವಂತಹ ಆರ್ ಪಿ ಡಿ ಕಾಲೇಜ್ ಹತ್ರ ವೃತ್ತವನ್ನ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಕನ್ನಡಿಗರ ಬಹುದಿನಗಳ ಹೋರಾಟ, ಬಹುದಿನಗಳ ಕನಸು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬೇಕು, ರಾಜ ವೀರ ಮದಕರಿ ನಾಯಕರ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನ ಮತ್ತು ಆ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ರಾಜ ವೀರ ಮದಕರಿ ನಾಯಕರ ವೃತ್ತ ಅಂತಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದು ಬಹುದಿನಗಳ ಹೋರಾಟ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದೊಳಗೆ ಸಭೆ ಆದಾಗ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮವನ್ನ ತಗೊಳ್ರಿ ಅಂತ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಒಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ಕ್ರಮ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ಪರ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಹಾಗೂ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಒಂದು ರಾಜ ವೀರ ಮದಕರಿ ನಾಯಕರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬಳಗದ ವತಿಯಿಂದ ಏನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಾಮಫಲಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ವಿ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರು ಬಂದು ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಆ ನಾಮಫಲಕವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೋವಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾವಧಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜ ವೀರ ಮದಕರಿ ನಾಯಕರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬಳಗದ ವತಿಯಿಂದ ಖಂಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. चुनाव नतीजों के बाद घर पर हमला करने का इल्जाम लगाते हुए आजाद उम्मीदवार के तौर पर कॉरपोरेशन चुनाव का हिस्सा बनी सलीमा गोकाक वाले आज बेलगाम डीसी एमजी हिरेमठ और पुलिस कमिश्नर त्यागराजन को मिलकर जल्द गिरफ्तारी की मांग करते हुए इंसाफ की मांग की। आज डीसी बेलगाम को मिलकर जान को खतरा होने की बात भी कही गई। वाजा रहे कि कॉरपोरेशन चुनाव का जश्न मनाते हुए रोशन गली में सलीमा भी गोकाक वाले के घर पर भीड़ ने हमला करने की वारदात पेश आई थी। कारपोरेटर अजीम पटवेगार पर भी मुकदमा दायर करने की बात सामने आ रही। मैं इलेक्शन को बैठी, मुझे बैठने के बाद जब मैं कैनवेशन जब कर रही थी, मेरी रैली जब निकाल रही थी, तब मुझे लोगों बोलने लगे तुम्हारे ऊपर अटैक होने लगा। मैं बोली जो होता है होंगे, देखेंगे आगे क्या होगा। तो मुझे ऐसा धमकी मिलते गई
तो मेरे लड़के को वोटिंग के दिन 3 तारीख के 3 बजे ये बशीर नाम का आदमी ने मेरे लड़के को कॉलर पकड़ा और मारने की धमकी दिया, तुझे भी देख लूँगा, तेरी बेटी को भी देख लूँगा, यही बोला। मैं जाके उसी दिन शाम को माल मारोती में कंप्लेंट किया, उसको दूसरे दिन 12 बजे लेकर आया और उसको वार्निंग दिया। MCR जो बनाया FR बोलने के लिए, मैं बोल रही थी FR नहीं, आप लोग वहाँ रहने वाले हैं और ऐसा ईर्ष्या बढ़ जाता है नको बोलने। मैं साहब की बात सुन के हूँ बोल के मैं उधर से ऑफिस आई। मैं वो भी बोली साहब पाटिल साहब को बोली, मैं देखो मेरे जान को धोखा है, मेरे बाल बच्चों को धोखा है, ये मेरे घर पर अटैक करने वाला है आजिम पटेकर बोल के। तो बोले तो नहीं आप एक फ़ोन करो मैं आऊँगा करके बोले। तो ऐसा ही मैं 12:15 हुआ था, 12:30 के करीब मैं इधर थी, रास्ते में थी, तो मेरे घर से मुझे फ़ोन आया, अम्मी जल्दी आओ मेरे घर में तोड़ फोड़ हो रहा है, मेरे घर में ग्लास वगैरह सब फूट गया है, हमारे को अंदर ले गया है मेरे को पकड़ के, और मेरे बेटी के साथ बहुत अन्याय हुआ है और मैं मीडिया सामने बात बोल नहीं सकती, और खुद पुलिस के आके देखा है और ट्रीटमेंट भी लिया है मेरे लड़की का, तो मेरे बच्चों को मार लगा है, मेरे घर में सब गलास सब चूर चूर करा है, एक एक पत्थर इतना इतना बड़ा दुर्का है कि मेरे छोटे छोटे बच्चों को भी मार लगा है। मैं MLC भी कराई हूँ, आप सब लोग मिल के एक महिला का इंसाफ दीजिए। धीरे धीरे कोरोना की खबर कम होती जा रही है और शायद तीसरी लहर भी आने के इम्कान कम ही नजर आ रहे। अब तो स्कूल भी पूरी तरह से शुरू हो चुके, लिहाजा आज बेलगाम जिला में कोरोना मरीजों की तादाद 14 रही तो 19 डिस्चार्ज हुए। अहम खबरों के बाद अहम मौजू पर एक नजर। वैसे तो किसी सियासी पार्टी का मौकूफ जो होता है उसकी आइडियोलॉजी, उसकी विचारधारा होती है, विचारधारा की बुनियाद पर ही अपने मौकूफ को आगे बढ़ाती रहती है। लिहाजा आज कॉरपोरेशन चुनाव में भी भाजपा की जीत गोया हर शहरी तक अपनी विचारधारा को वहां तक पहुंचाने की कोशिश है। कॉरपोरेशन चुनाव मुकम्मल हुए और नतीजे भी चौंकाने वाले रहे। हमेशा बेलगाम कॉरपोरेशन पर MES का तसल्लुत रहा। लोकसभा या असेंबली इंतखाबात में भी कभी बेलगाम और अतराप में MES का ही बोलबाला रहता था, पर धीरे धीरे भाजपा के हिंदुत्व सोच और फिक्र का असर बेलगाम और अतराप में मराठी वोटरों पर ज्यादा इसलिए भी रहा कि MES खुद आपसे इख्तलाफात का शिकार हुई। ऐसा भी दौर रहा कि महाराष्ट्र एकीकरण समिति के 6 से 7 MLA और MP भी हुआ करता था, पर भाजपा की मजहबी तशद्दुद की सियासत ने अक्सरियत को अपनी तरफ माइल करने में कामयाबी हासिल की। इसके बावजूद भी कॉरपोरेशन पर हमेशा समिति का ही परचम लहराता रहा। यह पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि MES पूरी तरह से साफ होती दिखाई दे रही है। हालिया चुनाव में मैं 4 सीटें MES को हासिल हुई। अब इस पर समिति के कई लीडरों ने एतराज जताते हुए EVM टैंपरिंग का इल्जाम भी लगाया। ये बात भी सभी को मालूम है कि EVM का रोना कोई अब मायने नहीं रखता। सच्चाई भी है कि जब सीटें ज्यादा मिलती है तो हम खामोश भी रहते हैं, और घटती है तो इसका ठीकरा किसी और के सर मारने की कोशिश करते रहते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं कि EVM घोटाला नहीं है, किनन उसमें होता है और बारहा इसके इल्जाम लगाए जाते हैं और इख्तदार पजीर हुकूमतों की जानिब से इसका इस्तेमाल अपने हिसाब से किया जाता रहता है। VVPAT मशीन लगाने का हुक्म सुप्रीम कोर्ट ने किया है, पर बेलगाम कॉरपोरेशन चुनाव में कहीं पर भी VVPAT मशीन लगाई नजर नहीं आई। ये बात भी काबिल तवज्जो है कि दुनिया में जिन देशों ने EVM मशीन को बनाया है वहां पर भी बैलेट पर ही चुनाव होते हैं। खैर, इस पर तबसरा बहस तब ही किया जाता है जब किसी को वोट कम गिरते हैं। अब वही दूसरी तरफ मुस्लिम सीटों की भी जीत भी तारी की रही। 14 सीटों पर कॉरपोरेशन चुनाव में जीत हासिल करना यह भी कोई मामूली बात नहीं है, गैर मामूली बात कह सकते हैं। मराठी सीटों का घटना और उर्दू सीटों का उछाल ये भी बात समझने की जरूरत है। अब इसके पीछे की हकीकत को समझने की कोशिश करने की जरूरत यह है आखिर क्या बात है कि अचानक पार्टी के निशान पर चुनाव लड़ने की जरूरत अब क्यों महसूस की गई। अब मराठी वोटरों की ही बात करें तो महज 3 महीने पहले लोकसभा चुनाव में 1.25 लाख से भी ज्यादा वोट समिति के उम्मीदवार ने हासिल किए थे, और अब अचानक महज 4 सीटों पर सिमट कर रहना किस बात की तरफ इशारा है। आखिर भाजपा क्या चाहती है? मुस्लिम उम्मीदवारों की जीत का जश्न कपड़े फाड़ कर किया गया। अब इस पर बाद में बात करेंगे कि आखिर कपड़े फाड़ कर आखिर किस जंग जीतने का जश्न मनाया जा रहा था, और कपड़े फाड़ कर अदरंगे होकर जश्न मनाने की यह तहजीब भी आखिर कहां से सीखी है। खैर, बात उस साजिश पर करते हैं जिसे भाजपा तकमील तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। मुल्क के आखिरी शहरी तक मजहबी तशद्दुद को किस तरह मुतासिर करना चाहती है इस पर भी गौर करने की जरूरत, क्योंकि हर पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी होती है और वो आइडियोलॉजी
आखिरी शहर तक पहुंचाने की कोशिश भाजपा कर रही है। भाजपा इख्तदार पर काबिज है, मनमानी फैसले कर रही है। विपक्ष इतना कमजोर है कि वो किसी तरह का सवाल उठा ही नहीं सकता। दूसरी तरफ गोदी मीडिया है जो बजाय सरकार को सवाल करने के कमजोर विपक्ष को ही कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करता रहता। अगर बेरोजगारी, गिरती मईशत, महंगाई का सवाल मोदी सरकार से पूछो तो आपको जवाब में गांधी नेहरू की बात कही जाएगी, यानी कि उसका हिसाब गांधी नेहरू से पूछा जाएगा। किसान पिछले तकरीबन 10 महीनों से एहतजाज कर रहे, पर मीडिया बजाय इस पर हुकूमत से सवाल करने के भारत के मुसलमानों को तालिबानी साबित करने में लगी हुई है। खैर, तो इस मुल्क में जब तक हिंदू मुस्लिम चलता रहेगा तब तक आप सत्ता से सवाल ही नहीं कर पाओगे। बेलगाम कॉर्पोरेशन चुनाव को भी इसी संदर्भ में देखा जाए तो गलत ना होगा। इस बात पर भी तवज्जो देना जरूरी है कि भाजपा हुकूमत हमेशा बड़ी चालाकी से इख्तदार हासिल कर ही लेती है। अगर हुकूमत हासिल करने के लिए 33 की जरूरत है तो सिर्फ 2 या 3 सीटें कम ज्यादा आगे पीछे हासिल करती है, बाकी विपक्ष के लिए छोड़ दिया जाता है। और वैसे भी जब से भाजपा हुकूमत मुख्तलिफ रियासतों में या मरकज में इख्तदार पजीर है, विपक्ष का सुनता कौन है? बेलगाम कॉर्पोरेशन में 33 की जरूरत है तो भाजपा जीतती है 35। MES को 4 हासिल होते हैं तो वही 14 मुस्लिम उम्मीदवारों की जीत पर हम इतना खुश हो जाते हैं कि जिस्म के कपड़े तक फाड़ने लगते हैं, जबकि तुम्हारा विपक्ष में बैठना गोया तुम गूंगे बनकर बैठने के बराबर है। कांग्रेस की तो हालत विपक्ष कहलवाने के भी काबिल नहीं रही। 10 में 8 अगर उर्दू कैंडिडेट जीत रहे तो क्या पैगाम दिया जा रहा? आखिर अक्सरियत हिंदू समाज कांग्रेस से दूर क्यों हो रहा है? यह बात समझने की है जो साजिश भाजपा मुल्क की सतह पर रच रही है। इस जाल में मुसलमान फंसते जा रहे। भाजपा चाहती है कि भारत में 2 ही पार्टियां रहे जो मजहब की बुनियाद पर लड़ते रहे, एक हिंदू और दूसरी मुस्लिम पार्टी। यही ध्रुवीकरण भाजपा संघ परिवार की जानिब से किया जा रहा है। आज EVM पर सवाल MES की जानिब से उठाए जा रहे हैं। वहीं मुस्लिम उम्मीदवार खामोश है क्योंकि मुस्लिम उम्मीदवार की तारीखी जीत हासिल तो हुई है, मतलब समाज में तफरके का जहर भी फैलता रहे और किसी को इसका एहसास भी ना हो। आज भाजपा का टिकट हासिल करने के लिए गैर मुस्लिमों की भीड़ लगी हुई है तो वहीं कांग्रेस के पास अक्सरियत मुस्लिम उम्मीदवार टिकट हासिल करने की होड़ में लगे हुए थे। एक और बात का एहसास शिद्दत से होता दिखाई दिया कि मुसलमानों में वक्ती कामयाबी पर खुश होने का रुझान ज्यादा दिखाई देता है। हमारे पास किसी तरह की मंसूबाबंदी नहीं है। अगर 15 उम्मीदवार जीते हैं तो वार्ड रचना भी उस तरह की हुई है क्या अक्सरियत भाजपा से ही जीत सके? किनन 14 मुसलमानों का जीतना भी तारीखी रहा, पर इसे इतना ना बड़ा समझा जाए कि हम कपड़े फाड़ कर जश्न मनाने में लगे रहे। पूरे मुल्क में अब सियासत मजहब की बुनियाद खेली जाने वाली है और इसकी शुरुआत को बेलगाम कॉर्पोरेशन से समझे तो गलत ना होगा। पूरे भारत में आपको यही तस्वीर नजर आएगी कि भाजपा हिंदुत्ववादी पार्टी है तो कांग्रेस या किसी और पार्टी को मुसलमानों की पार्टी के तौर पर पेश किया जाएगा ताकि एक गिरोह हरे रंग में डूबा रहे और दूसरा भगवा रंग में। मुसलमानों को महज कामयाबी की खुशी मनाते हुए अपने कपड़े फाड़ते रहे, इसकी तस्वीर कांग्रेस से जीते मुस्लिम उम्मीदवारों के जश्न से नजर आ ही रही। अगर हरा रंग में डूबा गिरोह है तो कांग्रेसी और लाल गुलाल में रंगा हुआ भाजपा का, और यही तकसीम मौजूदा भाजपा हुकूमत चाहती है। कुछ रियासतों में सेक्युलर पार्टियां हैं पर वहां से भी वोटर मजहब की बुनियाद पर खिसक कर भाजपा की तरफ जा रहे हैं। अगर बंगाल चुनाव को छोड़कर पूरे मुल्क की तस्वीर सामने रखेंगे तो हिंदू मुस्लिम सियासत में डूबा ही नजर आएगा। और भाजपा के पास यही एक हथियार है जिससे आवाम को गुमराह किया जा सकता है। देश में मजहब की सियासत तब तक चलती रहेगी जब तक तमाम सवालात बहुत छोटे और हकीर होंगे। अगर आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में पूछा जाएगा तो भव्य राम मंदिर दिखाया जाएगा। आप महंगाई पर सवाल करोगे तो तालिबान का डर बताया जाएगा। गैस की बढ़ती कीमत पर सवाल करोगे तो पाकिस्तान जाने के लिए कहा जाएगा। बेरोजगारी पर सत्ता से सवाल पूछोगे तो तुम्हें देशद्रोही तक कहा जाएगा। लिहाजा तुम्हारे खुशियों के दायरे को इतना महदूद कर दिया है कि तुम्हें कॉर्पोरेशन चुनाव में जीत भी बहुत बड़ी लगने लगी। खासकर मुस्लिम माशरे में दूरंदेशी की कमी शिद्दत से देखी जा रही है। अब तो सियासी पार्टियों के निशान पर चुनाव में आपसे इख्तलाफात और भी ज्यादा उभर कर आए। जमातों में इख्तलाफात भी देखे गए, नौजवानों के गिरोह आपस में टकराते हुए भी देखा गया। कपड़े फाड़ कर जश्न मनाने की बात इसलिए करना जरूरी है क्योंकि हमारे लिए जश्न और मातम के भी दायरे हैं। इन दायरों में ही अगर जश्न खुशी और गम मनाए जाए तो बेहतर है। अब इस तरह के जश्न पर बोलना जरूरी क्यों है? क्योंकि आगे इस तरह के जश्न को बढ़ावा न दिया जाए। ताज्जुब तो इस बात पर है कि उनमें कुछ अपने आप को दीनदार समझने वाले भी थे। क्या यह तरीका सही रहा? अदरंगे होकर पूरी गली मोहल्ले में घूम रहे हो जबकि खवातीन भी घरों के बाहर जश्न देख रहे थे। याद रखो कि आपने कोई जंग नहीं जीती है, आप उस कॉर्पोरेशन का हिस्सा होने जा रहे हो जहां भाजपा इख्तदार पर है।
रियासत और मरकज में भी भाजपा है, कांग्रेस कमजोर विपक्ष है, यकीनन कामयाबी का जश्न होना चाहिए, पर महदूद दायरे में होता है तो अच्छा भी लगता है। शायद कुछ लोगों को यह बात अच्छी ना लगे, पर कहना जरूरी है, कौम की फलाह के फैसले आसमानों से होते हैं। अब क्या इसी जश्न की महफिलों पर, मजलिसों पर फरिश्ते रहमतें नाजिल करेंगे? लिहाजा मुल्क की सतह के साजिशों को समझे और खास तौर पर मुसलमानों को सही मनसूबाबंदी करने की जरूरत है। आने वाली नस्लों के बारे में सोचे तो हो सकता है कि मौजूदा दौर में कुछ कर सकते हो, वरना तो हालात मुनासिब नजर नहीं आ रहे। इससे पहले भी हमने इस शेर को अर्ज करते हुए कहा था कि फिक्र मिल्लत कर कयामत आने वाली है, तेरी बर्बादी के चर्चे हैं आसमानों में। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह। We'll be right back.